क्या दूध छोटे और बड़े गोश्त से कोरोना वायरस मुंतकिल हो सकता है? ये खदशा बिल्कुल बेबुनियाद है कि दूध और छोटे बड़े गोश्त से कोरोना वायरस फैल सकता है। हमारे यहाँ तमाम जानवरों के फॉर्म्स पे बायोसिक्योरिटी का निज़ाम मौजूद है और इस निज़ाम के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी एहतियाती तदाबीर आवाम को बताई गई हैं वो तमाम वहाँ पे नाफिज़ुल अमल है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे फार्मर हजरात की ज़िंदगी का दारोमदार इन्हीं जानवरों पर है, लिहाजा वो इन जानवरों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। लिहाजा हमारे जानवर सेहतमंद जानवर हैं और उनसे पैदा होने वाला दूध और गोश्त भी सेहतमंद है और इन जानवरों से कोरोना वायरस का फैलना नामुमकिन है। पोल्ट्री फार्म्स पर मौजूद बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी निज़ाम के बारे में बताइए। जी, हमारे पोल्ट्री फार्म्स के ऊपर बायो सिक्योरिटी और बायो सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी मेजर्स हैं वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं। मतलब अगर फार्म के अंदर एक गाड़ी आती है, फीड लेकर आने वाली गाड़ी है, और या वो गाड़ी आती है जो चूज़ा जब तैयार हो जाता है उसको लेकर जाती है, तो दोनों सूरतों के अंदर जो लोग वहाँ पर आते हैं वो हर लिहाज से बायोसिक्योरिटी मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं। वो जो ट्रक होता है जिसके अंदर फीड आ रही होती है वो डिप टैंक से गुजरता है जिसके अंदर डिसइंफेक्टेंट डाला होता है। डिसइंफेक्टेंट की वजह से उसके पहियों के ऊपर लगे तमाम जरासीम वगैरह वो मर जाते हैं या फिर उन ट्रक्स को अच्छे तरीके से धोया जाता है। इसी तरह फार्म पर जब फीड वाले लोग आते हैं तो वो जो जब फीड को अनलोड कर रहे होते हैं तो ड्राइवर एक ऐसी चीज़ है जो कि इस बीमारी को फैला सकता है, तो वो एक आइसोलेशन रूम में बैठ जाता है जब तक कि फीड वहाँ से अनलोड नहीं हो जाती, वो वहाँ से अपनी जगह से मूव नहीं करता। तो यूँ हमारे मुल्क के अंदर जितने पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर बायो सिक्योरिटी और बायो सेफ्टी जो है ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। इस तरह फार्म पर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी जब फार्म के अंदर आते हैं आमतौर पर तो 99% वहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जब वो अपने लिविंग रेजिडेंस से वो फार्म की तरफ आते हैं तो वो अपने कपड़े तब्दील करते हैं, वो वहाँ पर अपने बूट तब्दील करते हैं, उसके बाद वो नहाते हैं, नहाने के बाद वो अपने फार्म के जो है वो यूनिफॉर्म जो है वो पहनते हैं, फिर वो फार्म के अंदर जाते हैं। तो इसलिए किसी लिहाज से बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी की ब्रीच जो है वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है, और बर्ड जो हम तक पहुँचता है वो हर लिहाज से बीमारियों से भी सेफ होता है और वो जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो भी हर तरह की बीमारी से महफूज होते हैं। क्या पोल्ट्री और कोविड-19 में कोई ताल्लुक है? जी, कोविड-19 और पोल्ट्री में कोई रिलेशन नहीं है, और जो कोविड-19 है इसका रिसेप्टर कोई और है, तो लिहाजा ये वाला वायरस कोविड-19 जिसे हम बोलते हैं ये पोल्ट्री पर असरअंदाज बिल्कुल नहीं होता भी, इससे हमें बिला खौफ व खतर पोल्ट्री को कंज्यूम करना चाहिए। हैवानी लहमिया की क्या अहमियत है और इस हवाले से पोल्ट्री की क्या अफादियत है? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया मौजूदा वबा के तनाजर में, क्योंकि जब भी कोई बीमारी आती है, कोविड की बात नहीं है, जब भी कोई बीमारी आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम या मुदाफियाती सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। एंटीबॉडीज़ इन रियलिटी जो है वो प्रोटीन इन नेचर होती है, तो ये जब इम्यून सिस्टम हमारा डाउन होता है तो एंटीबॉडीज़ कम हो जाती हैं। इन एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा ताकत देने के लिए हमें एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन के लिहाज से पोल्ट्री का मीट और एग ये प्रीमियम जिसे हम कहते हैं प्रोटीन का सोर्स है, क्योंकि एग के अंदर 12% आप कह रहे हैं या 6 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन होती है, और मुर्गी के गोश्त के अंदर भी तकरीबन 20% जो है वो प्रोटीन होती है। तो जब ये दोनों प्रोटीन हम खाएंगे तो ये उन एंटीबॉडीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम करती हैं, तो जितना ज़्यादा हम ये खाएंगे उतनी हमारी एंटीबॉडीज़ जो है वो मजबूत होंगी और उसके नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। बाजार में मुर्गी खरीदते वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए? हाँ, इस नज़र में ये बात बड़ी ज़रूरी है कि ज़ाहिर है हमारे तकरीबन जो है वो 95% जो है वो मुर्गी की सेल जो है वो फट्टे से होती है या ओपन या वेट मार्केट हम इसे बोलते हैं वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर मेरी तो आवाम से यही है कि वहाँ पे एक रश ना लगा दिया जाए और अपने जब वो वहाँ पर लेने जाए तो ज़ाहिर वो अपने मुँह को मास्क के साथ कवर करें और एक सोशल डिस्टेंस जो कि 3 से 4 फुट का हम सबको बताया गया उसके ऊपर अमल करें और जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ से बर्ड लेकर ज़िबा शुदा हालत में या जिस तरह भी आपने उसको लेना वहाँ से लेकर जल्दी से वहाँ से निकलने वाली बात है।